राज्य बर्तमान करोना जनित कारण एक भयावह परिस्थिति संक्रमण जेमन जारी तेमनी मृत्यु अब्याहत तब अवस्थाय आसार आलो देखा करोनार टीकाकरण इतिमध्ये राज्य 18,31,000 मानुष करोनार टीकाकरण आवतায় এসেছেন বলে জানালেন एनएचआरएम এর मिशन डिरेक्टर सिद्धार्थ शिव जयसवाल। करोना जनित कारण गोटा देश आज एक अभूतपूर्व परिस्थिति सम्मुखीन राज्य एर कोनो व्यतिक्रम नहीं कोविड जनित कारण राज्यवासी रीतिमत विपर्यस्त इतिमध्ये कत परिचय मुख जे अकाले हारिए गेछे जा दुख और बेदनादायक एर मध्य राज्य संक्रमण जेमन जारी तेमनी कोविडेर बलि हवा अब्याहत तबे एई अवस्थाय आशार आलो देखाच्छे करोनार टीकाकरण गोटा देशेर पाशापाशि राज्य गत 16 जानुआरि थेके कोविड टीकाकरण शुरू हयेछे एर मध्ये एई पर्यन्त राज्ये 18,31,000 मानुष के करोना टीकाकरण आवतায় आना हुए शुक्रवार आहूत सांबादिक सम्मेलन जानालेन एनआरएचएम एर मिशन डायरेक्टर डॉक्टर सिद्धार्थ शिव जयसवाल। 45 प्लस एज कैटेगरी में हमने फर्स्ट डोज 9.69 लाख को दिया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाटा के अनुसार 98% कवरेज हो गया है। इसके अलावा डिफरेंट सोर्सेस से अगर लिया जाए कुछ न्यूज़पेपर्स कुछ रेपुटेड न्यूज़पेपर्स अपना वैक्सीन ट्रैकर अलग से परफॉर्मेंस देखते हैं उसका 100% कवरेज हो गया है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार हमारा 98% कवरेज हो गया है जो कि इट इज क्वाइट सब्सटैंशियल। सिमिलरली 18 to 44 एज कैटेगरी में हम लोगों ने वैक्सीनेशन 13 मई से शुरू किया है और उसमें हम लोगों ने 6.91 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है जो कि अनुमानित 50% है हमारे स्टेट का। तो अभी तक हम लोगों ने 18.31 लाख अपने स्टेट के 18.31 लाख पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन कर दिया है विच इज अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द टोटल एलिजिबल पॉपुलेशन इन आवर स्टेट। एलिजिबल पॉपुलेशन मतलब 18 साल से। পাশাপাশি 18 ঊর্ধ্বদের বিশেষ টিকাকরণ অভিযানে 2 দিনে 3,48,000 জনকে টিকাকরণ করা হয়েছে বলেও মিশন ডিরেক্টর ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল জানিয়েছেন। आप लोगों को जानकारी होगी हम लोगों ने स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव लिया था 45 प्लस एज कैटेगरी में लिया था 24, 25, 26 मार्च को जिसमें इन 3 दिनों में हम लोगों ने 2.26 लाख लोगों को वैक्सीन दिया था। इसी प्रकार से हमने 21 और 22 जून को स्पेशल ड्राइव लिया था और उसमें हमने फोकस किया था 18 to 44 एज ग्रुप और ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज और इन 2 दिनों में हम लोगों ने 3.48 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया था जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। এমনকি প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধীদের করোনা টিকাকরণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের বাসস্থানের পার্শ্ববর্তী এলাকায় টিকাকরণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে বলেও তিনি জানান। রাজ্যের 7টি এমন গ্রাম রয়েছে যেগুলোতে 18 ঊর্ধ্ব থেকে সর্বোচ্চ বয়সীদের 100% মানুষকে কোভিডের টিকাকরণের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। শুধু তাই নয় গোটা দেশে কোভিডের টিকাকরণের ব্যাপারে প্রথম সারির রাজ্যগুলোর মধ্যে ত্রিপুরাও অবস্থান করছে বলে আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে এনআরএইচএম এর মিশন ডিরেক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল সর্বশেষে জানিয়েছেন। কোভিড টিকাকরণ হয়ে গেলেই করোনা সংক্রমণের কোনো সম্ভাবনা থাকবে না বিষয়টি মোটেও এমন নয়। তবে রাজ্যের কোভিড টিকাকরণের এই পর্যন্ত পরিসংখ্যানটা কিন্তু আশার আলো দেখাচ্ছে। পরিসংখ্যানটা যথেষ্ট ইতিবাচক বলে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের অভিমত। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।